हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स वॉयज में फिर आपका एक बार स्वागत है। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। इसी श्रेणी में आज जो है मैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उस पर बेस्ड एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये होता है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। इट मींस दैट द इनिशियल मोमेंटम एंड द फाइनल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। अब बात ये आती है कि जनरली हम दो ऑब्जेक्ट्स के केस में ये मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें जो लगने वाला उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रहे हैं वो जीरो है ना। तो इस तरह से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करते हैं। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है न्यूटन्स क्रेडल डेमोन्स्ट्रेशन है। एक बहुत ही फेमस डेमोन्स्ट्रेशन है यह फिजिक्स का, और यह डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और इसके एक्सप्लेनेशन को भी शेयर करूंगा। आई होप कि आपको सबको समझ में आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। देखिए, एप्लीकेशंस की जहां तक मैं बात करता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कई एप्लीकेशंस है, जैसे कि हम बात करते हैं रॉकेट प्रोपल्शन की। तो रॉकेट प्रोपल्शन में यही होता है कि जो रॉकेट होता है वह गैसेस को नीचे की तरफ, जो बर्न आउट गैसेस है उन्हें नीचे की तरफ छोड़ देता है और इन रिटर्न उन्हें मोमेंटम मिलता है ऊपर की तरफ। ओके, तो इनिशियली जो है रॉकेट, नीदर द रॉकेट नॉर द गैसेस वर इन मोशन, so the initial momentum was zero, but when the burnt out gases they come down, so the system gains the momentum in the downward direction, and because gases gains the momentum in the downward direction, so in order to conserve the momentum the rocket it lifts up, okay, to conserve the momentum. So this is what the conservation of momentum is, and this is what we will try to understand with the help of this demonstration. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास में दो न्यूटन्स क्रेडल है। इनफैक्ट मेरे पास तीन न्यूटन्स क्रेडल हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर मेरे पास अभी दो अवेलेबल हैं। तो इस न्यूटन्स क्रेडल को अगर आप देखें ध्यान से, तो अभी मैं कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर इस न्यूटन्स क्रेडल की मदद से करके बताऊँगा आपको। देखिए, अगर यहाँ आप इसको देख पा रहे हैं, आई होप, अभी मैं सिंपल सा आपको बताता हूं कि अगर मैं एक बॉल यहां से हटाता हूं इस यहां से, तो देखिए वहां पर आपको दिख रहा होगा कि आफ्टर कोलिजन जो है केवल एक ही बॉल जो है वो क्या हो रही है, बाहर निकल रही है ना। इफ यू आई टेक वन बॉल फ्रॉम हियर, सो आफ्टर कोलिजन आई विल गेट वन बॉल कमिंग आउट। ओके, तो यह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है बेसिकली, है ना। और अपन बात करते हैं इस पे, अगर जैसे मैं देखता हूँ कि मैं दो बॉल अगर मैं ले रहा हूँ, आप देखिएगा, और अगर मैं आप इसको हटाता हूँ, सॉरी, देखिए दो बॉल अगर मैं लेता हूँ तो आप देखिए आप क्या हो रहा है, आफ्टर कॉलिजन दो बॉल जो है वो क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, है ना। एक बार और आप देखिए इसको, दो बॉल को, आफ्टर कॉलिजन दो बॉल निकल जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आप देखते हैं, अगर आप अब आप देखते हैं कि अगर मैं तीन बॉल्स यहां लेता हूं और इनको करता हूं, तो देखिए क्या होता है। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा क्या होता है कि कैमरा रिजोल्यूशन के कारण भी थोड़ी दिक्कत आती है, पर आप देखिए यहां आपको दिख रहा होगा कि तीन बॉल अगर मैंने लिए तो तीन बॉल ही यहां पर निकल रही है। इसे मैं इस बड़े वाले न्यूटन्स क्रेडल से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। सेम फिनोमिनन है, पर बड़े वाले से भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि किस तरह से ये किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये बॉल्स जो हैं, एक एक बहुत अच्छा सिंक्रोनाइज मोशन भी इनका रहता है जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा आप, एक सिंक्रोनाइज मोशन करते हैं, बड़ा सुंदर सा मोशन होता है ये, सिंक्रोनाइज मैनर में ये करते हैं, है ना। चलिए ठीक है, ये तो हो गई बात। अब मैं बात करता हूँ कि जिस बारे में मैं बात कर रहा था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर मैं एक बॉल यहाँ ले रहा हूँ तो आप देखेंगे कि वहां भी एक बॉल ही क्या हो रही है, बाहर जा रही है। इफ आई एम टेकिंग टू बॉल्स नाउ, तो आप देखिए यहाँ पे दो बॉल्स कॉलिजन के बाद में क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। एक बार और आप देखते हैं, पहले कुछ कॉलिजन आप देखेंगे तो आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। देखिएगा,
तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर मैं तीन बॉल्स लेता हूं, देखें आप तीन बॉल्स लेने पे क्या होता है, आफ्टर कॉलिजन तीन बॉल्स आ रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। एक बार और तीन बॉल्स पे मैं करके बता देता हूं, अलाइनमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, इसको थोड़ा प्रॉपरली अलाइन करना पड़ता है। अब चार बॉल्स पे अगर अपन करते हैं तो देखिए क्या होता है, आफ्टर कॉलिजन चार बॉल्स जाती है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, है ना। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होते हैं, तो जब हम एक बॉल हटाते हैं यहाँ, तो इसका मोमेंटम जब ट्रांसफर होता है तो उतना सफिशियंट मोमेंटम जो है एक बॉल को ही मिल पाता है कि वह क्या हो सके, कंजर्व हो सके। तो देखिए दो बॉल्स निकलने इतना मोमेंटम हो ही नहीं पाता है ना। अब बेसिकली क्या होता है कि जब ये बॉल इससे टकराती है तो ये इसको कोलाइड करके अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर करती है ना। आप कह सकते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस भी आप इससे समझ सकते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो ये जो है इसको अपना फोर्स जो है वो क्या करती है, फर्स्ट बॉल जो है वह फोर्स एग्जर्ट करती है सेकंड बॉल पर, और इन रिटर्न सेकंड बॉल फर्स्ट बॉल पर फोर्स एग्जर्ट करती है, और इसके कारण ये पहली वाली बॉल रेस्ट में आ जाती है और जो दूसरी बॉल रहती है वह फोर्स एग्जर्ट करती है, उसको उसको मोमेंटम मिलता है और वह फोर्स एग्जर्ट करती है इस पर, और इस तरह से ये ट्रांसफर होता जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि क्या होता है कि ये वाली बॉल जो है लास्ट वाली, इस पर इधर से फोर्स लगाने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए ये जो है उस एक्वायर्ड मोमेंटम को लेकर आगे बढ़ जाती है ना। इसलिए क्या होता है कि अगर आप एक बॉल हटाते हैं तो एक बॉल ही आपको वहां पर मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पैटर्न में। अगर आप दो बॉल लेते हैं तो यहाँ पर दो बॉल मिलती हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये क्लास 9 स्टैंडर्ड में और 11 स्टैंडर्ड में जब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं तो उसको अप्लाई करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 9 और 11 के स्टूडेंट्स को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझने में इससे बहुत मदद मिलेगी, है ना। तो अब आप देखिए एक और डेमोंस्ट्रेशन है छोटा सा, इसमें अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे दो बॉल्स को आप ऐसे अपोजिट ले जाते हैं और छोड़ते हैं, तो देखिए अब क्या हो रहा है। अब ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फेनोमिनन है, अब आप इसको इधर भी देख सकते हैं कि कैसे हो रहा होगा ये, है ना। अगर आप इस वाले को देखें, छोटे वाले से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हो रहा है ये, है ना। इसको थोड़ा सा फोकस में कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर मैं दो बॉल्स यहाँ लेता हूँ तो देखिए अब ये एक्चुअली एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, ये इस पर एक्शन एग्जर्ट कर रहा है, ये पूरा एक बॉडी हो गया, ये एक्शन एग्जर्ट कर रहा है और इन रिटर्न उसको रिएक्शन मिल रहा है, और सेम हो रहा है इसके साथ भी कि ये एक्शन इस पर एग्जर्ट कर रहा है और रिएक्शन इसको मिल रहा है, और इसके कारण इनका मोशन जो है वो क्या हो जाता है, इनका मोशन अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है ना। अगर मैं दो बॉल लेता तब भी क्या ऐसा होता, तो देख लेते हैं हम करके, है ना, कर लेंगे तो पता चल जाएगा। दो बॉल लेता तब भी ऐसा होता, है ना, वो थोड़ा सा सिंक्रोनाइज नहीं रहा, अगर सिंक्रोनाइज होगा तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। देखिए मैं कोशिश करता हूँ सिंक्रोनाइज करने की, देखिए ये सिंक्रोनाइज हो गया, तो सिंक्रोनाइजेशन थोड़ी देर में बिगड़ जाता है क्योंकि एनर्जी लॉस और ये सब फैक्टर्स हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं, इसको बीच वाले को स्टेशनरी होना चाहिए। अब आप देखिए ये सिंक्रोनाइज था, ठीक है, इनिशियल कोलिजन्स में ये सिंक्रोनाइज होता है। सो बेसिकली ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड जो है डेमोंस्ट्रेशन था। आई होप कि आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये डेमोंस्ट्रेशन समझ में आया होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसे भी आप इससे समझ सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू लॉट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थैंक यू वेरी मच। फिजिक्स वॉयज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इफ यू कैन शेयर दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट more better than what they are understanding. So this is what the basic objective behind the physics voyage is. Happy learning. Thank you very much.